असम में तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी, 14 लोग गिरफ्तार, गन्ना किसानों का हंगामा। जालंधर में गन्ना किसानों के प्रदर्शन के चलते 50 ट्रेनें रद्द, कई रूट डायवर्ट। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली का बड़ी कामयाबी, जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर। काबुल एयरपोर्ट पर 150 भारतीय सुरक्षा तालिबानियों ने पासपोर्ट चेक करने के बाद छोड़ा। देश में 24 घंटे में आए 34,000 नए मामले, 375 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं गीति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे में शामिल पूर्व सैनिक कार्यक्रम में सैकड़ों पूर्व सैनिक शामिल हुए। कार्यक्रम में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अंगवस्त्र पहनाते हुए स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए अपने संबोधन में कहा कि सैनिकों की बदौलत देश सुरक्षित है और भाजपा सरकार सैनिकों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हथियार से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर तरह की सुविधा भाजपा सरकार ने अपने सैनिकों को दी है। देश में संचार क्रांति के जननायक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं के स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती की सूचना नहीं दी और ना ही किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इससे अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जन क्रांति के नायक को आज भुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लापरवाही नजर आ रही है। सर्वप्रथम तो राजीव गांधी जी को सशत नमन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आधुनिक भारत निर्माण के जो जनक रहे हैं राजीव गांधी जी, जैसा कि आप लोगों से पता चल रहा है कि आज उनके उपलक्ष्य में किसी भी तरह का मसूरी कांग्रेस की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक खेद का विषय है और मैं इसकी भरकस निंदा करता हूँ, क्योंकि कहीं पूरे जो आज हमारा आधुनिक भारत है इसके जनक राजीव गांधी जी रहे हैं। मैं कांग्रेस होने के नाते ही नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारा फर्ज था कि उनके इस जयंती। जिलाधिकारी विजय जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत बेटी बचेगी तो बेटा भी होगा, माँ रहेगी तो पैदा भी होगी गीत का विमोचन किया। उन्होंने गायिका साक्षी डोभाल व पूरी टीम की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आयोजित बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए आगामी वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। तो टीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर गीत जारी किया। पौड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें योजना बनाई गई है कि बेटियों को अगर बचाया जाएगा तभी आगे सृष्टि का ब्रह्मांड चल पाएगा, जिसको लेकर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, गीत भी प्रस्तुत किया। बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। प्रमुखता से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से इसमें चर्चा किया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष में क्या कौन से कार्यों को जो है प्राथमिकता पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना। ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई ने नगर निगम क्षेत्र में डेंगू संक्रमण की रोकथाम को लेकर सफाई निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम में सफाई निरीक्षकों की बैठक में मेयर ने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, इसलिए उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। महापौर ने अधिकारियों को बरसाती पानी की समुचित निकासी का प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि बरसात में नगर निगम के विभिन्न इलाकों में पानी इकट्ठा हो रहा है, इससे डेंगू के मच्छर पनपने की संभावना बनी रहती है, इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। बरसात को देखते हुए जिस प्रकार से कि एक महीने
डेंगू की बीमारी का बहुत ऐसा समय रहता है कि इस मानसून में डेंगू का जो मच्छर होता है वो लार्वा उसके वो ज़्यादा पनपता है। तो इसमें मैंने आज अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की और जितने भी हमारे हवलदार हैं सभी की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सभी को सख्ती से निर्देशित करा कि किसी भी प्रकार से। नरेंद्रगढ़ स्थित संत निरंकारी मिशन के प्रमुख कल्याण सिंह नेगी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत डागर की खाली पड़ी वन पंचायत भूमि पर आंवला नीम जैसे पौधों का रोपण किया गया। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख कल्याण सिंह नेगी ने बताया कि यूं तो मिशन पिछले कई वर्षों से पौधारोपण करता आ रहा है लेकिन इस बार खास मकसद से अखिल भारतीय स्तर पर संत निरंकारी मिशन पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। लगाए गए पौधों की 3 वर्षों तक मिशन की तरफ से देखरेख की जाएगी। तो निरंकारी मिशन के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया जिसकी 3 साल तक देखरेख की जाएगी। संत निरंकारी मिशन बरसों से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। इस बार सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ डागर में नरेंद्रनगर के पास माइक्रो फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये निरंतर आगे चलता रहेगा। जैसे ये साइट डेवलपमेंट होकर के ठीक हो जाएगी, पेड़ बड़े हो जाएंगे, इसी प्रकार से फिर आगे भी हम अपने अधिकारी के लिए आंदोलन कर रहे जोशीमठ विकास खंड के हाट गांव के ग्रामीणों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि जल विद्युत परियोजना के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है जिससे आहत होकर 5 लोगों ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या कर रहे थे। ज्येष्ठ प्रमुख के अनुसार लंबे समय से THDC HCC विद्युत परियोजना निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रशासन से बातचीत की लेकिन कंपनी प्रशासन के सामने भी किए गए वादों से मुकर रही है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होगा, हाउस में तुमको आना होगा। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही हरिद्वार में कैंसर अस्पताल की शुरुआत होने जा रही है जिसके बाद कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि कैंसर अस्पताल के लिए राज्य सरकार की टाटा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से अंतिम चरण की बात हो चुकी है। हरिद्वार और हल्द्वानी में राज्य सरकार ने इसके लिए भवन चिन्हित करने की कवायद भी शुरू कर दी है। 2021 में ही अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये अस्पताल शुरू हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लेकर बड़ी संवेदनशील है और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पुनः चुनाव जीते, ये जो एक मिथ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर और पहाड़ी राज्यों में सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर विकास को और आगे बढ़ाने के लिए। बाजपुर पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सामान के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। CEO नंदा वर्मा ने बताया कि पहाड़ी कॉलोनी में एक चिकित्सक के यहाँ चोरी की घटनाओं को लेकर खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बाइक और लूटे गए सामान को बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। डॉक्टर राणा के आवास पर चोरी की घटना हुई थी जिसमें काफ़ी मात्रा में नकदी, जेवरात और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी हुआ था। इस मामले में हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा सभी CCTV कैमरों का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ हमने क्षेत्र में आम पूछताछ भी की, पुराने चोरों से और पैरोल में छोटे हुए मुलजिमों से भी पूछताछ की है। इसमें ये चीज़ संज्ञान में आई है कि 2 चोर बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही चेकिंग के दौरान हमने एक मोटरसाइकिल में उसी हुलिये से लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी त्रस्त है लेकिन
इसके बावजूद सरकार महंगाई कम करने को लेकर कोई प्रयास नहीं कर रही है। बिंदु खता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कालोनी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक तिराहे में एकत्र प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूका। प्रमोद कालोनी ने कहा कि देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार हाय हाय, महंगाई को कम करना होगा। आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है भारतीय सरकार के अधीन, उसने आज 25 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम के रेट बढ़ा दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि जनवरी माह से इस अगस्त के माह तक 165 रुपए की जो निरंतर वृद्धि करी है, आज उसी के विरोध में यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदु खत्ता के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। और जैसा कि इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये कह चुके हैं कि आपने जो लोगों से जो अच्छे दिन के वायदे किए थे और महंगाई को नियंत्रण करने का जो आपने वायदा किया था और लोगों को रोजगार देने का जो वायदा। लालकुआं में नैनीताल दुग्ध संघ में कार्यरत ठेका कर्मियों ने ठेकेदारों द्वारा वेतन कटौती के विरोध में धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में कटौती किए जाने के बाद भी ईपीएफ और ईएसआई नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने बिंदु खता स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही साथ मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। कुछ दिन पहले उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसका उपचार के लिए ठेकेदार द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई, कोई पैसा नहीं दिया गया, ना ही वो देखने के लिए आए से, और सब कुछ कट रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये टाइम भी जमाने हो रहा, पिछले 3-4 साल से मेरे ख्याल से पीएफ भी जमाने हो रहा, किन मांगों लेकर जमाने हो रहा 3-4 साल से। आज इन मांगों में बैठे हैं? हाँ, इन्हीं मांगों के आधार पर हम यहाँ पर बैठे हैं, मेरे भाई का उपचार है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ललित कांडपाल के नेतृत्व में जवाहर नगर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण पंत नगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ललित कांडपाल ने कहा कि उत्तराखंड की पंत नगर यूनिवर्सिटी एशिया की जानी मानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने से उत्तराखंड के निवासियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पढ़ाने के लिए बच्चे और इनसे नहीं होता तो उत्तराखंड के लिए बड़े कल। पंत नगर को यूनिवर्सिटी मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। आप देश में इतने बड़े फाइनेंसर हैं, हमारे यहाँ पर बाल योगेश्वर महाराज है। सरोवर नगरी व उसके पास आसपास लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों का दरकना और पत्थरों के गिरने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिला मुख्यालय के कुल 6 मार्ग बंद हो गए हैं, जिनमें 3 राज्य व 3 ग्रामीण मार्ग शामिल है। फिलहाल मार्ग को खोलने के लिए तत्काल JCB मशीनों को लगाया गया है, जो तेजी के साथ रास्तों से मलबे को हटाने में जुटी हुई है। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।